हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टोकन पॉकेट के होने वाले एयरड्रॉप के बारे में कि कैसे आप इस एयरड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या आपको इसके अंदर करना है। और साथ में दोस्तों इस पूरे वर्ल्ड का हम रिव्यू करेंगे। मैं आपको थोड़ी देर के बाद लेके चलूँगा अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको इसके हर एक फीचर्स के बारे में बताऊँगा और कैसे आपको उसके अंदर जाके एक ट्रेड कम्प्लीट करनी है जिसके बाद आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे टोकन पॉकेट के होने वाले एयरड्रॉप के लिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उनके इस ट्वीट के बारे में जहाँ पर उन्होंने बताया है कि यहाँ पर दोस्तों उनका जो टोटल वैल्यू लॉक है टीपीटी बीयूएसडी के अंदर वो यहाँ पे 10 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है। और इसके लिए वो एक एयरड्रॉप लेके आ रहे हैं बीएसई यूज़र के लिए जिन्होंने पैनकेक स्वैप के अंदर जाके ट्रेड की है थ्रू टोकन पॉकेट वॉलेट। तो अगर आपने यहाँ पे अभी तक टोकन पॉकेट वॉलेट के अंदर जाके पैनकेक स्वैप के ऊपर ट्रेड नहीं किया है तो दोस्तों आपको ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो कैसे आपको इस वॉलेट को इंस्टॉल करना है और क्या क्या फीचर्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद दोस्तों मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके जाऊँगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप इस आर्टिकल पर जाएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो टोकन पॉकेट वॉलेट है वो वर्ल्ड का एक लीडिंग डिसेंट्रलाइज मल्टी चेन वॉलेट है जिसे यहाँ पर बीएसई के इन डेप्थ कॉपरेशन के साथ मिलकर बनाया गया है। और यहाँ पे दोस्तों टोकन पॉकेट फाउंडेशन एक एयर ड्रॉप कंडक्ट कर रहा है बीएसई यूजर्स के लिए जिन्होंने यहाँ पे टोकन पॉकेट वॉलेट का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे जो रूल्स होंगे एयर ड्रॉप के वो बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे अपने ट्विटर हैंडल पे। तो दोस्तों अगर आप जाएंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बताया गया है कि एक मल्टी चेन वॉलेट है जहाँ पे आपको बहुत सारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता हुआ दिखाया गया है, चाहे हम बात करें यहाँ पे बिटकॉइन की, इथेरियम की, ईओएस की, पोलकाडॉट, ट्रॉन, बाइनेंस स्मार्ट चेन, हेको, आईओएसटी। मतलब यहाँ पे आपको इस समय जो भी मार्केट के अंदर इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उन सभी के नाम है। और फ्यूचर में यहाँ पे अगर कुछ नए इकोसिस्टम भी आते हैं, कुछ नया नेटवर्क भी आता है तो उसे भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा फीचर दोस्तों मुझे लगा है वो है यहाँ पे क्रॉस चेन टोकन स्वैप का। अगर आपके पास बाइनेंस स्मार्ट चेन का कोई टोकन है, जैसे मान लेते हैं बीएनबी है या फिर बीयूएसडी है, और अगर उसे आपको दोस्तों स्वैप करना है ERC-20 बेस्ड टोकन के साथ या फिर आपको स्वैप करना है पोलका डॉट इकोसिस्टम के किसी टोकन के साथ, तो वो भी आप यहाँ पे बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एक ओपन सोर्स है और यहाँ पे आपकी जो प्राइवेट की होगी वो आपके पास ही रहने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं, मोबाइल का, डेस्कटॉप का। जब आप मोबाइल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप गूगल प्ले में जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप iOS यूज़र हैं तो आप यहाँ पे ऐप स्टोर में जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप इसे डेस्कटॉप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको मैक ओएस और विंडोज 64 बिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे मोबाइल वर्जन के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई मोबाइल ही यूज़ करता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और कैसे आपको पैनकेक स्वैप के अंदर कुछ ट्रेड करनी है जिसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे टोकन पॉलेट के होने वाले एयरड्रॉप के लिए। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैंने टोकन पॉकेट वॉलेट को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर, आपको टाइप करना है टोकन पॉकेट वॉलेट, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप इसे क्लिक करेंगे ओपन के ऊपर। ओपन पर जाने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, पहला है आई हैव एन अकाउंट या फिर आपके पास ऑप्शन होता है नो अकाउंट्स। तो अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे नो अकाउंट्स के ऊपर, क्रिएट न्यू। यहाँ पे आपको चूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ सिंगल ब्लॉक वॉलेट यूज़ करना है, जैसे कि आप सिर्फ BTC यूज़ करना चाहते हैं तो आप BTC के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप इथेरियम नेटवर्क के लिए ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप इथेरियम के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप सभी नेटवर्क को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा HD वॉलेट के ऊपर। हम यहाँ पर टच करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको ये पूछेगा पासवर्ड के लिए और अपने वॉलेट का नाम देने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं नाम डाल देता हूँ टेस्ट, पासवर्ड डाल देंगे दोस्तों यहाँ पर टेस्ट 1 2 3 4, रिपीट कर देंगे सेम पासवर्ड। मैं यहाँ पे इस वॉलेट को यूज़ नहीं करने वाला हूँ इसलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करें तो आप उसे सिक्योरली, सेफली, अच्छे से कहीं पे लिख लें और उसे याद रखें। उसके बाद उसे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वॉलेट के ऊपर। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक फ्रेज वर्ड दिया जाएगा जिसे आपको स्टोर करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट नेम रहेंगे जिसे आपको स्टोर करना है। और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में अपने मोबाइल को चेंज करते हैं या फिर आपके मोबाइल से ये ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है गलती से, तो दोस्तों आपको उस समय इन फ्रेज वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी इसे दोबारा से रिकवर करने के लिए। तो मैंने इसे यहाँ पे
फटाफट नोट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको इन वर्ड्स को मेमोराइज करना है, आपको इसे कहीं पे सेफली किसी पेपर पर लिख के रखना है, वो भी सीक्वेंस के हिसाब से। और आपके सामने दोस्तों कुछ दूसरे वर्ड्स आएंगे, मेरे स्क्रीन पे दूसरे वर्ड्स आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों इससे नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना होगा कंप्लीटेड बैकअप वेरीफाई इट नाउ के ऊपर, और उसके बाद जैसे वो वर्ड्स थे सीक्वेंस के अंदर मुझे ठीक उसी तरीके के साथ यहाँ पे इसे चूज करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एग्जॉस्ट, बॉम्ब, टैंक, ब्रोकन, एप्पल, लॉसूट, क्लैरिफाई, सजेस्ट, वॉइस, वेस्ट, प्रोसेस, हिंट, कन्फर्म। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो वॉलेट है यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जैसे यहाँ पे सभी टिक्स लग जाएंगे उसके बाद आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो अब जाके दोस्तों हमारा जो वॉलेट वो यहाँ पे रेडी है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखेंगे टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको मिलता है ETH HD का ऑप्शन, जब आप यहाँ पे टच करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत सारे यहाँ पे जो नेटवर्क है उनके वॉलेट यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ऊपर है बिटकॉइन का, अगर आपको यहाँ पे बिटकॉइन रिसीव करना है या सेंड करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे टच करना होगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांसफ़र, रिसीव और स्वैप का। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रिसीव के ऊपर तो यहाँ पे दोस्तों आपको बिटकॉइन का एड्रेस देखने को मिलेगा। बैक जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे ERC-20 नेटवर्क पे डील कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा ETH HD के ऊपर। आप यहाँ पे टच करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको अगेन ऑप्शंस मिलते हैं। एसेट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्लस का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पे टच करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपने टोकन्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं USDT, ERC-20 बेस्ड है, TPT, TRX, यूनी, HT, ये वो सारे टोकन्स हैं जो इस समय ERC-20 को सपोर्ट करते हैं। यहाँ से हम बैक जाएंगे, सेम अगेन अगर आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, रिसीव करना है, स्वैप करना है तो आपको ये तीनों ऑप्शन ऊपर देखने को मिलते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे बात किया था क्रॉस चेन स्वैप के बारे में, तो जब आप स्वैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फीचर्स मिलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे इथेरियम है और इस समय बिटकॉइन है, तो आप इसे यहाँ पे डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको इथेरियम से अगर आप जाएंगे यहाँ पे BUSD BSC वाला अगर आप चूज़ करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्टली इथेरियम को बाइनेंस स्मार्ट चेन के BUSD के साथ यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो फीचर है दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे इस टोकन पॉकेट वॉलेट का। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर इसे BNB के साथ भी स्वैप कर सकते हैं, तो ये जो फीचर है दोस्तों बहुत ही कमाल का है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क में डील करना है तो आप यहाँ पे अगेन टच करेंगे और आपको यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का ऑप्शन मिलता है। आप इस वॉलेट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एसेट्स को ऐड करना है तो अगेन आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और बाइनेंस स्मार्ट चेन के जितने भी यहाँ पे टोकन से बात करें, हम यहाँ पे पैनकेक की, बेकरी की या फिर दूसरे जो भी टोकन से यहाँ पे जूल है, डाई है, TWT है, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको वो नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट एड्रेस को कॉपी पेस्ट करके भी सर्च कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। वापस से बैक जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे वॉलेट का ऑप्शन है, साइड में मार्केट है, डिस्कवर है, न्यूज़ है एंड मी का है। मार्केट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारे टोकन्स के बारे में डिटेल में दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे राइट टू लेफ्ट तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी, गेनर, न्यूएस्ट, जस्ट स्वैप का ऑप्शन देखने को मिलता है। न्यूएस्ट में दोस्तों आपको वो सारे नए टोकन्स मिलेंगे जो इस समय यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों अगर आप जाएंगे यहाँ पे डिस्कवर के ऊपर तो ये सेक्शन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी भी ट्रेड होगी दोस्तों आपका इसी सेक्शन के अंदर होगा। तो जब आप डिस्कवर के अंदर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इसे यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है रिकमेंडेड का, जहाँ पे आप देख सकते हैं पैनकेक स्वैप है, ऑटो फार्म है, वीनस है, डोडो है, जो इस समय सबसे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे दूसरे नेटवर्क के DApps यूज़ करने हैं तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। BSC में जाना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हेको के नए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इथेरियम नेटवर्क के ऊपर जितने भी इस समय जो पॉपुलर DApps है उन्हें आप देख सकते हैं। DeFi के ऊपर देख सकते हैं, Polkadot के ऊपर देख सकते हैं, Tron के ऊपर देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है और आप बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पे अपने फेवरेट DApps को चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं एयरड्रॉप की, तो एयरड्रॉप के ट्वीट में ये बताया गया है कि आपको टोकन पॉकेट वॉलेट के अंदर पैनकेक स्वैप के अंदर ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनकेक स्वैप यहाँ पे रिकमेंडेड के अंदर है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टच करना आई गॉट इट के ऊपर। उसके बाद जो पैनकेक स्वैप है यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा और फिर दोस्तों ये आपसे पूछेगा अपने वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए। तो आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करें या फिर अनलॉक वॉलेट के ऊपर क्लिक करें, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपसे 3-4 ऑप्शंस पूछता है। मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, तो आपको चूज़ करना है टोकन पॉकेट और उसके बाद आपका जो वॉलेट वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर आपको 2-4 ट्रेड करनी है, तो आप यहाँ पे चूज़ करें TPT BUSD कर सकते हैं, TPT BNB कर सकते हैं, BNB केक कर सकते हैं,
केक BUSD कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो दो तीन पेयर हैं वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे इस एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं TPT और ऊपर BNB रहने दीजिए, या फिर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं BUSD, और उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ंड रखना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास फ़ंड नहीं है, मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि आपको यहाँ पे फ़ंड कैसे रखना है, तो बहुत सिंपल सा है। आप वापस जाएंगे वॉल्ट के अंदर, BNB है आपके पास, प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे TPT ट्रांसफ़र करना है ट्रस्ट वॉलेट से या किसी और जगह से, तो आप यहाँ प्लस पे टच कर सकते हैं, उसके बाद TPT ऐड हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे BUSD करना है, तो आप यहाँ पे BUSD को भी प्लस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से हम वापस जाएंगे बैक, तो यहाँ पे आप देखेंगे एसेट के अंदर BUSD और TPT यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों अगर आपको कोई और टोकन को यहाँ पे ऐड करना, तो अगेन आप प्लस पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट एड्रेस डालेंगे। अगर आपको वो नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है हॉट टोकन्स के अंदर, तो आप कॉन्टैक्ट एड्रेस के थ्रू भी सर्च करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा BNB के ऊपर, रिसीव पे क्लिक करेंगे, और इस एड्रेस के ऊपर दोस्तों आप अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे वापस जाएंगे डिस्कवर के अंदर, पैनकेक स्वैप के अंदर, और यहाँ पे अपने BNB के थ्रू स्वैप करके दो चार ट्रेड कर सकते हैं। BNB ही ट्रांसफ़र कीजिएगा, क्योंकि BNB के थ्रू आप यहाँ पे गैस फीस भी पे कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे BUSD पहले भेज दिया, तो आपको फिर से BNB भेजना पड़ेगा, क्योंकि बिना BNB के आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको चौथा ऑप्शन मिलता है न्यूज़ का, तो यहाँ पे आप अपडेट रह सकते हैं। जितने भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो न्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं, जहाँ पे आप इनके आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये पूरा टोकन पॉकेट वर्ल्ड का ऐप है। और आखिरी नंबर पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है मी का, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं एसेट ओवरव्यू का। अगर आप यहाँ पर टच करेंगे, तो आप अपने टोटल एसेट को यहाँ पर देख सकते हैं, कितना बैलेंस आपके वॉलेट में रखा हुआ है। उसके अलावा मैनेज वॉलेट के अंदर जाके आप अपने वॉलेट को अपने सीक्वेंस के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा वॉलेट यूज़ करें, तब आपको ये फीचर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर सेटिंग्स की, तो यहाँ पर दोस्तों आप लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश है, उसके अलावा जो भाषाएँ हैं वो हमारे इंडियन लैंग्वेज से मेल नहीं खाती हैं, तो आप यहाँ पर इंग्लिश ही रहने दीजिए। करेंसी यूनिट की बात करें दोस्तों, आप यहां पे इसे इंडियन रुपीस में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसे USD में ही रहने दे सकते हैं। तो ये काफी अच्छा लगा कि यहां पे इंडियन रुपी को दिया गया है। इसके अलावा आप यहां पे जेस्चर पासवर्ड को ऑन कर सकते हैं, पुश नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। जब भी यहां पे आपके अकाउंट में कहीं से ट्रांसफर होकर बैलेंस आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों मुझे यहाँ पे टोकन पॉकेट वर्ल्ड। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को तो मिल ही जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे डी एप्स हैं, अगर आप जाएंगे इनके आर्टिकल के ऊपर, तो यहाँ पे बताया गया कि इस समय दोस्तों टोकन पॉकेट वर्ल्ड के अंदर कम से कम 2000 से भी ज़्यादा डी एप्स हैं, जिसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और फीचर है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब आप यहाँ पे किसी भी डी ऐप को यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ट्रांजेक्शन करते समय जब आप यहाँ पे अमाउंट को एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसे मान लेते हैं चूज़ करते हैं ADA को, यहाँ पे 1 BNB डाल देते हैं, तो यहाँ पे ये बता रहा है इनसफिशेंट BNB बैलेंस। लेकिन जब आप यहाँ पे इसे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे स्वैप के ऊपर, तो दोस्तों ये आपसे पासवर्ड पूछता है, वो पासवर्ड जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था। तो यहाँ पे दोस्तों TPT वॉलेट आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का लेयर देता है, जो दूसरे डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वो आपको नहीं देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनल कन्फर्मेशन से पहले आपको पासवर्ड डालना कंपलसरी है, या फिर दोस्तों आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर को ऑन कर सकते हैं। तो हर बार आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट करने से पहले उस पासवर्ड को डालना, या फिर अपने फिंगरप्रिंट से उसे वेरीफाई करना कंपलसरी है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा। तो इस तरह दोस्तों आप टोकन पॉकेट वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं, पैन के एक स्वैप में जाके दो चार ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे इनके एयरड्रॉप के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने यहां पे सारे इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर लिया होगा। फिर भी अगर यहां पे कुछ छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई सवाल है इस वॉल्ट को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। सभी सोशल मीडिया के लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्रिप्टो से रिलेटेड कॉन्टेंट लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।